अवैध शराब की बिक्री, बागने की अवरुद्ध का शिकार। 6 सिटी महाराष्ट्र में बनी चुनौती। अब खबरें विस्तार से। गांव में बड़ी अवैध शराब की हो रही है बिक्री, युवा वर्ग हो रहा है व्यसनाधीन। भंडारा जिले में देशी विदेशी शराब के अलावा हाथ भट्टी से निकाले गए महुआ फूलों की शराब गांव गांव में निर्माण हो रही है। इस कारण प्रत्येक गांव में अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है। इसके पूर्व महिला मंडल ने किए शराबबंदी का प्रयास असफल हो रहा है। इस कारण अवैध शराब बिक्री में वृद्धि होकर युवा वर्ग व्यसन का प्रमाण बढ़ गया है। चोरी छिपे होती है महुआ की खरीदी, जहाँ शराबबंदी की वजह से बड़ी बिक्री। इससे पूर्व सभी महामार्ग के शराबबंदी दुकान बियर बार बंद हुए थे। इसी दौरान बड़े जोर शोरों से यहाँ बिक्री हो रही है। बाघ ने किया वृद्ध का शिकार, क्षेत्र के लोगों में दहशत। ब्रह्मपुरी तहसील में बाघों के हमले का सिलसिला लगातार जारी रह रहा है। बाघों की बढ़ती हुई संख्या ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। जयरामपुर मिंटी ग्राम में एक 50 वर्षीय वृद्ध को बाघ ने अपना शिकार बनाया है। वृद्ध का शव बरामद हुआ तो उसमें का सिर से लेकर तो छाती तक का हिस्सा गायब था। इस घटना में ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। दिल्ली इस लोकसभा चुनाव के प्रारंभ होते समय महाराष्ट्र में सभी दलों के राजनीतिकारों के लिए वहाँ 6 सीटें बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिन्होंने पिछले 4 चुनाव में से अलग अलग पार्टी के सांसद को निर्वाचित किया है। इनमें से पालघर 7 बार से लगातार यह बदलाव कर रही है, जबकि हिंगोली पिछले 6 बार से। ऐसी अन्य सीटों में वर्धा, लातूर और सोलापुर के अलावा मुंबई उत्तर पूर्वी की सीट में भी शामिल की जा रही है। मायूती के रणनीतिकारों को वे सीट 4 सीटें बहुत परेशान कर रही है, जहाँ उनकी कभी भी इतिहास में जीत नहीं हो पाई है। पश्चिम महाराष्ट्र में स्थित इन सीटों का नाम बारामती, मांडा, कोल्हापुर व हटकन गले हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मिलकर इनमें से कम एक या दो सीट इस बार जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।